भिलाई इलाके में ब्यूटी इंस्टीट्यूट में चल रहे धर्मांतरण मामले में संचालिका रक्षंदा खान और उसके पति शहनवाज को पुलिस ने स्टूडेंट की शिकायत पर दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एसपीसीटी अखिलेश भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने रक्षंदा खान और उसके पति पर धारा 299/251, 2/318, 1 एवं धारा 3/5 यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। इंस्टीट्यूट संचालिका रक्षंदा खान मूल रूप से कानपुर के रहने वाली और पिछले कई सालों से मुरादाबाद में रहकर सिविल लाइन इलाके में ब्यूटी इंस्टीट्यूट चला रही थी, जहां पर कई छात्र छात्राओं ने 4 दिन पूर्व इसकी शिकायत डीएम को की थी, जिसमें बजरंग दल ने भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर की सामान्य प्रेस वार्ता रही। ये थाना सिविल लाइन्स पर 23 जुलाई को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यहाँ कांट रोड पर एक लैक्मे एकेडमी, इमरान थोड़ी नीचे करो, जिसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो बीएनएस हमारा कानून है उसके 299/351(2) और 318(1) इन धाराओं के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जो वादिया हैं वो तानिया चौधरी, ये गजरौला की रहने वाली हैं, उनके द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें उसकी जो लैक्मे एकेडमी की संचालिका इनका नाम रक्षंदा खान है और उनके पति शाहनवाज खान, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जब गहराई से इसकी जानकारी की गई तो जो अन्य जो और उसके साथी थे वादिया के, उनसे भी इसमें पूछताछ की गई तो उन्होंने भी उसी की बात को तस्दीक किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियाँ जिसमें इनको वहाँ पर लोग लालच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए इनको कहा जाता है। इसी क्रम में जो इसमें मुख्य आरोपी रक्षंदा खान है, जिनका पूर्व का नाम सपना उर्फ मणि वर्मा, उनकी और उनके पति शाहनवाज खान, ये दोनों मूल रूप से साकेत नगर किदवई नगर कानपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये स्टार पैसिफिक सोसाइटी में या एक फ्लैट में किराए पर रहते हैं। वहां से इन दोनों अभियुक्त शाहनवाज और रक्षंदा खान, इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भी आरोप लगाए गए थे उसके संबंध में जिनसे पूछताछ की गई है, इनके द्वारा कहा गया है कि अपनी सफाई न्यायालय में देंगे और जो शेष अन्य इनके साथी हैं उनसे भी अभी इसमें और गहराई से पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आरोप भी लगाए गए थे कि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नकली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो भी गतिविधियां वहाँ की जा रही थी उस संबंध में आज गिरफ्तारी हुई और इनको आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। एक पूर्व में भी इस प्रकार की एक शिकायत पिछले वर्ष संज्ञान में आई थी, लेकिन उस समय उसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। उन्हें आज इस बार शिकायत हुई थी, इस पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें इनकी गिरफ्तारी।